वीडियो कर सकते हैं मगर यूट्यूब या फेसबुक पे अपलोड नहीं करेंगे। আবারও আমাদের চ্যানেলে সকলকে স্বাগত। আমি আপনাদের হোস্ট রমিতা। আমি আগের ভিডিওতে আমাদের গুলমার্গ ভ্রমণ শেয়ার করেছিলাম, আর আজকে আমি শেয়ার করতে চলেছি গুলমার্গ থেকে পহেলগাম যাওয়ার পথে NH1 এর পাশে অবস্থিত অবন্তিস্বামী টেম্পল রুইন্স ভ্রমণ। এই মিডিয়েভাল হিন্দু টেম্পল রুইন্সটি শ্রীনগর থেকে মাত্র 28 কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। বর্তমানে এই রুইন্সটি দেখাশোনার দায়িত্বে রয়েছে ASI। এই জায়গাটি পুলওয়ামা ডিস্ট্রিক্টের অবন্তিপোরার অন্তর্গত। 9th century উৎপলা ডাইনেস্টির রাজা মহারাজ অবন্তিবর্মন এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠাপন করেছিলেন। তারই নাম অনুসারে এই জায়গাটির ও মন্দিরটির এমন নামকরণ। এখানে ঢোকার মুখেই রয়েছে টিকিট কাউন্টার। টিকিট জনপ্রতি 25 টাকা। এখানে পর্যটকদের জন্য ফ্রি অফ কস্ট গাইডের ব্যবস্থাও আছে। এই মন্দিরের পৌরাণিক ইতিহাস নিয়ে এত সুন্দর করে বলেন যা সত্যিই পর্যটকদের মন কাড়ে। আপনারা জম্মু থেকে শ্রীনগর যাওয়ার সময় কিংবা শ্রীনগর থেকে জম্মু ফেরবার সময় এই ভগ্নপ্রায় মন্দিরটি একবার দর্শন করে নিতেই পারেন। যিনি আমাদের এই মন্দিরটি পরিদর্শন করাচ্ছিলেন তিনি প্রথমেই আমাকে ওনার ভিডিও ফেসবুক কিংবা ইউটিউবে ছাড়তে বারণ করেছিলেন। তবুও আমি চেষ্টা করেছি ওনার ডাইরেক্ট ভিডিও না করে ওনার ভয়েসটা রেকর্ড করবার, সেটাই আমি এই ভিডিওতে ব্যবহার করেছি। আপনারা ওনার মুখে এই মন্দিরের বিশ্লেষণ শুনলে বুঝবেন উনি কতই না সুন্দর করে পর্যটকদের কাছে তৎকালীন ইতিহাসের বর্ণনা করেন। जिन्होंने पहली राजधानी यहाँ पे बसवाई थी AD 855 9th century। शहर बसवाने बसवाने उन्होंने कुछ मंदिर बनवाया था, उसमें से ये एक विष्णु भगवान के नाम पर आधा किलोमीटर पीछे छोड़कर आए हैं शिव जी के नाम। फिर हिस्ट्री के मुताबिक 500 साल तक ये अच्छी कंडीशन में रहा था। 500 साल के बाद रेल भी यहाँ बुद्ध से कट आ गया था, जिसके पीरियड में कहीं कहीं जगह डैमेज भी हुआ था, मगर यहाँ पे मिट्टी का पहाड़ टूट गया जो फ्लड के कारण पूरा सिटी में आ गया, पूरा सिटी ढका। ये मंदिर भी पूरा ढका हुआ था मिट्टी के अंदर, इसकी गेट के ऊपर इसी दिखाई दे रहा था जहाँ मिट्टी का मेरा था, और उसी राजे के नाम से नाम दिया गया इस इलाके का अवंतीपुर। खुदाई के दौरान यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ मिली थी, जो सर मेन सर्वर की मिली चांदी की मूर्ति वो रखा है लंदन म्यूजियम। जो बाकी कमरों में मिला था 69 मूर्तियाँ वो गदाधर मंदिर, और 3 मूर्ति रखा है श्रीनगर एक्सप्रेस म्यूजियम। और सर इसके अंदर 5 मंदिर बना हुआ था, 5 के नाम से लोग जाने जाते हैं, 5 पांडव। और बड़े बड़े पत्थर दिखते हैं बताते हैं 5 पांडव का महल है। और पांडव ने कश्मीर आया नहीं, वो 5000 साल पहले था हिमाचल तक आ गई थी, हिमाचल से ही वापस चला गया। यहाँ किंग अवंती वर्मन ऋषि से आए थे जिन्होंने शहर बसवा लिया था AD 855 AD 83 तक। उन्होंने 28 सालों में कुछ मंदिर बनवाया, इसके चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर बनाया हुआ था 69। और से जो मेन मंडप में जो पुजारी पूजा करते थे, जो पूजा का पानी लिवर जहलम के लिए निकलता था, जो 1200 साल पहले ग्राउंड लेवल नीचे वाला था, आज भी जो आसपास एरिया आता है 12 किलोमीटर का, जिसमें पुरानी राजधानी दबा हुआ है, और भी मंदिर मिल सकता है, किसी का पत्थर का घर भी मिल सकता है, पूरा सिटी दबा हुआ है, उसमें से यही 2-4 मंदिर निकाला गया ब्रिटिश पीरियड में। यहाँ पे तिरंगा बेस में गंगा देवी और कुछ खुजरा के पेज जगह जगह पे बना हुआ, जैसे कामदेव आपने पढ़ा होगा बोर्ड पे, कामदेव भी बना हुआ। खुजरा से पहले ये मंदिर बना था 9th century में, खुजरा बना था 11th century में। और सर 1200 साल पहले कोई इसी में चूना गारा इस्तेमाल नहीं हुआ था, उसके ऐसे जोड़ते थे पत्थर के ऊपर, पत्थर कैसे फोकस करते थे, एक पत्थर टांग बनाते थे, दूसरे पत्थर ग्रूव बनाते थे और जोड़ते थे टांग में। सर यहाँ पे कुछ कारवी बनी हुई है जगह जगह। सर यहाँ पे जो 120 स्मारक लगा हुआ है, ये सर टेम्पल का मॉडल रहा था ट्रायंगल से, इसी टाइप का मंदिर बना हुआ था ट्रायंगल से, जिन्होंने मंदिर बनवाया था किंग अवंती वर्मन, उनके साथ वाइफ जो थे, वाइफ के साथ रक्षा के लिए 2 शेर बना हुआ था। और सर यहाँ पे देखिए विष्णु भगवान लेटे हुए, सर यहाँ पे विष्णु भगवान लेटे हुए नीचे शेषनाग, उसके नीचे यमुना देवी का वाहन जो कछुआ था, और सर लाइम स्टोन था।
इसमें रिनोवेशन का काम चालू था, कोरोना के बाद इसमें बंद हो गया सर। उनका इस साइड गणेश जी का, बैक साइड भूमि देवी लक्ष्मी देवी, मेन था विष्णु भगवान का। ये मेन मंडप रहा था जिसके सेंटर में गजा सिंह गरुड़ जी बैठते थे, और ऐसी छोटे छोटे मंदिर बना हुआ था 69, जिसमें अलग अलग देवताओं की मूर्ति थी 69। और इसी लेवल पर जो आसपास एरिया आता है 12 किलोमीटर तक, जिसमें पुरानी राजधानी और भी मंदिर मिल सकता है, पूरा दबा हुआ है सर। वहाँ पे विष्णु भगवान, साथ में भूमि देवी लक्ष्मी देवी। এইখানেই সঞ্জীব কাপুর ও সুচিত্রা সেন অভিনীত হিন্দি মুভি আন্ধির একটি গানের শুটিংও হয়েছিল। এই অবন্তিস্বামী টেম্পল রয়েছে রাস্তার অপর পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ঝিলাম নদী, যার উৎপত্তি স্থল ভেরিনাগ। এর পরের ভিডিওতে আমি আপনাদের সঙ্গে এই ঝিলাম নদীর উৎপত্তি স্থল ভেরিনাগ ভ্রমণও শেয়ার করতে চলেছি। আজকের ভিডিওতে এই পর্যন্ত। আমাদের এই অবন্তিস্বামী টেম্পল রুইন্স ভ্রমণের ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লাগে, তবে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না। সাথে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন আমাদের পরবর্তী ভিডিওটি দেখবার জন্য।